थोड़ा और जल्दी आ जाते, झाड़ू वाड़ू भी मार लेते, इतनी जल्दी आने का क्या जरूरत। तू एक बार झाड़ू मार दे भाई और पोछा लगा दे, हम तुम्हारे पैसे माफ कर देते हैं। 6 लाख? इतने कहां से फिर बार? अरे भाई मूछें ही तो सेट किए हैं अकेले। अरे इतना भी गिरा हुआ नहीं है तेरा बाप। अरे यार आप लोगों को गाड़ी लेना है कि नहीं? ये बाजू में ना दो गली छोड़ के ना एक गोलगप्पे की रेडी लगा दो। ये है हमारा देश भारत उर्फ इंडिया। यहाँ की आबादी 240 करोड़ के आसपास है। तकरीबन यहाँ हर एक घर छोड़कर दूसरे घर में तो कार अवश्य है। वैसे कुछ हम जैसी भी हैं जो अभी तक बाइक पर स्ट्रगल कर रहे हैं। आजकल के टाइम में कार तो मस्ट हो गई है। वी कैन से देयर इज नो लाइफ विदाउट अ कार इन करंट टाइम। एम आई राइट? राइट ना? पर कार भी अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं। जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हम जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए उतना ही मुश्किल हो गया कार अफोर्ड करना। आने वाले टाइम में क्या होगा भगवान ही जाने। तो ये कहानी है उन दो लड़कों की जो बाइक से सीधा कार पे आ जाते हैं। कैसा था उनका बाइक से कार तक का सफर, दिखाते हैं आपको आने वाले एपिसोड में। ए भाई कितना हुआ? 400। अरे 400 का इतना क्या करवाया हमने? भाई इतना तो कुछ किया ही नहीं। इतना क्यों ज्यादा? उस टाइम तो बैठे थे तुम, तो उस टाइम नहीं दिख रहा था आपको। आप तो ऐसे बैठे जैसे मालिक हो यहाँ के। अरे भाई मूछें ही तो सेट किए हैं अकेले। मेरे बाल 400 होता है यहाँ। अरे भाई फिर मूछें वैसे कर दो रहने तो। मेरे बाल वैसे कर। भाई ऐसे थोड़ी हो जाएंगी यार, जो हमारा सामान लगा है तुम वापस उसमें डाल दो, हम आपको वैसे दे देते हैं। खाता कौन सा? रोज खाता थोड़ी चलेगा भाई। एक बार कर लो ना। तू एक बार झाड़ू मार दे भाई और पोछा लगा दे, हम तुम्हारे पैसे माफ कर देते हैं, ठीक है? अबे पैसे लेकर छोड़ेगा ये, दे दे, दे, दे कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे, तू दे दे एक बार। कोई पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अब चले कॉलेज? जाना ही पड़ेगा आपको। आज तो बहुत लेट हो गया, टाइम देख यार। अब क्या करेंगे? कल भी सिक्योरिटी गार्ड वाले से मिनते करके अंदर गए हैं, ला लेंगे कुछ गार्ड आज भी। फिर मिनट निकालनी पड़ेगी। चल पता नहीं है क्यों एक प्रिया का चक्कर। अरे अरे यार, अरे इस कटारा को बेचकर हम नहीं क्यों नहीं ले लेते? अरे यार पापा लेके देंगे तभी ना। देख इसके आगे बहुत लेट है यार। अब मेरी तरफ क्या देख रहा है? इसे खोल जल्दी खोल, क्या कर रहा है इसे? भाई यार इसका यही होता है, रोज तू ही देखता है ना। क्या करूं मैं? अरे ये कौन आ रहा है? अरे अंकल हमें भी जाने दो। अरे कहाँ चल दिए सुबह सुबह? थोड़ा और जल्दी आ जाते, झाड़ू वाड़ू भी मार लेते, इतनी जल्दी आने का क्या जरूरत था? अरे हमने कौन सा जानबूझकर किया है, ये हमारी बाइक खराब हो गई थी, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है, तुम्हारी खटारा का। खुद चलाकर देख लो यार, अगर नहीं देखो तो सही। अरे अगर बाइक होती तो इसे चलाकर देखता ना, इस खटारा को कौन डालेगा? देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे बाप को ये दहेज में आई है। इसे बेचकर नहीं क्यों खरीद लेते? अरे अंकल दहेज में मिला या नहीं मिला हम घर से पूछ लेंगे, फिलहाल हमें जाने दो प्लीज, आज हमारा टेस्ट है। हमारे सारे टेस्ट निकल जाएंगे अंकल, जाने दो। कल से जो झाड़ू मारते ना, हम उनसे भी पहले आएंगे, हमें आज जाने दो। क्यों?
कल से झाड़ू स्कूल तुम दोनों लगाओगे। अरे अंकल इसका मतलब था हम आगे से नहीं लेट होंगे, प्लीज जाने दो, अब तो जाने दो। हाँ तो कल लाओगे ना, तो कल मिल जाएगा एंट्री। बिना बात के दिमाग का दही क्यों कर रहे हो तुम लोग, चलो निकलो यहाँ से। सुबह सुबह एक तो घर वाली परेशान कर दी, ऊपर से ये टपक पड़ते हैं। अरे यार अब क्या करें, ये तो जाने नहीं दे रहे, हम तो घर से तैयार होकर भी आ गए। घर पे तो अब जा नहीं सकते, क्या मुंह लेकर जाएंगे घर वालों के। चलो फिर देखते हैं कहीं और चल पड़ते हैं। आज तो बाइक की बात करनी पड़ेगी यार। तुझे इतनी जल्दी भूख लगी क्या? अरे यार भाई लगी तो अब क्या करूं? सुबह तक ठूस ठूस को खाया था ना तूने प्लेट में। अरे भाई कितना टाइम हो गया उस बात को। अरे भाई जल्दी देना यार, हम भी जाना। भाई पकड़ा दे प्लेटें अभी तो। एक बात बता। बोल भाई। गेट सिक्योरिटी गार्ड वाला बोल रहा था, सच में हमारे बाप को वो बाइक देज में मिली है क्या? भाई अपना बाप बहुत कंजूस है, मुझे तो पहले से पता है उसका। यार आज का जमाना है कार का, और हम अभी भी इस बाइक पे अटके हुए हैं। वही तो बात है, हमारे क्लास को वो भी देख ला संजू को, वो साला गाड़ी पे आता है, उसे रोज गाड़ी पे आता, देख प्रिया भी उसे लाइन देने लगी। अरे यार भाई क्या प्रिया प्रिया। अरे यार इसमें क्या प्यार करना क्या गलत बात है? अरे भाई प्यार व्यार कुछ नहीं होता, पढ़ाई वढ़ाई कर आई है। अबे तू पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ना, तूने क्या खटा? भाई तूने क्या खटा? नहीं खटा तो मैंने टाइम भी बर्बाद नहीं किया प्रिया के मेरे साथ 33 मार्क्स पे पास होता है तू। हमने ये तो वैसे सोच लिया कि घर पे बात करेंगे बाइक की, बाइक लेना कौन सा? अरे भाई जब अरे भाई बिना मीठे लेंगे पहले ऐसे ही। अरे यार अगर बात करेंगे कुछ तो करेंगे ना, हमने यही लेनी है। तो कौन सी लेंगे? वैसे बुलेट कैसा रहेगा? अरे बुलेट नहीं भाई यार, 15 लेंगे, वो बहुत अच्छी है। नहीं यार बुलेट अच्छा है, अगर हम बुलेट लेंगे ना क्लास में हम आने वाले दो ही होने वाले विद्यार्थी होंगे जो बुलेट पे आते हैं। क्या हो सकता बुलेट पे आते? देख तेरे भाई को प्रिया भी लाइन देने लग पड़े। तेरे भाई बाल। अरे जा यार तू तो पागल है। अरे जा। अरे भाई एक काम बताऊं आप लोगों को, प्रिया क्या हजारों लड़कियां आपके पास खुद चल कर आएंगी और आपको बुलाएंगी भी। कौन सा काम? क्या बोल रहा है भाई तू, ऐसा कोई काम नहीं होता। अरे यार होगा, तू चुप रह भाई को बोलने दे। क्यों नहीं होता ऐसा काम? क्यों नहीं होता भाई, सब होता है, बताने का मौका था दो। हाँ भाई बोल यार, होता है ना। ये बाजू में ना दो गली छोड़ के ना एक गोलगप्पे की रेडी लगा दो, हजारों लड़कियां रोज आएंगी आपको बुलाएंगी और एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, आपके गोलगप्पे भी बिक जाएंगे और लड़कियों से बात करने की जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। भाई क्या है यार, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रेडी लगाऊंगा इस उम्र पे। अरे यार कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, पढ़ाई वढ़ाई में तो आपको वैसे भी कोई रुचि नहीं है। अरे छोड़ यार मैं नहीं खोल। अरे यार भाई ये वो तो खा ले जाने दे। अरे बाप रे बाप, आज तो मजा आ गया रे, पूरा का पूरा इंसेंटिव, आज तो लॉटरी लग गया। अबे आज तो डैड का मूड भी है बात करना, तो पहले बात तू करना भाई की। अरे भाई घर का बड़ा बेटा तू है तो बात तू ही करेगा। आज तो मुझे बड़ी इज्जत दे रहा है। अरे भाई वो बातें बाद में करेंगे, पहले बात कर। अभी ना तू माइको कंपनी की दे रहा है मुझे, ऐसा कर पहले तू बात शुरू कर, मैं संभाल लूंगा। अरे भाई शुरू तू कर, बाद में मैं संभाल लूंगा। एक शर्त पे। क्या? आगे भी कॉलेज में मैं ड्राइव करके लेके जाऊंगा। कर लेना भाई यार बाइक तो ले, तू बात कर। पापा पापा हम लोग सोच रहे थे कि हम नई बाइक ले लें। क्यों इस वाली को क्या हुआ? चले आए नई बाइक लेने, कैसे पेड़ पे उगते और कहाँ अच्छी चलती है वो तो बहुत खराब करती है। हाँ बिल्कुल, हम कॉलेज से रोज लेट होते हैं, आज तो बल्कि इसे पूछो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें वार्निंग देकर छोड़ा है। अरे छोड़ा भी कौन सा, वापस भेजा है, अगर कल से हम लेट जाएंगे तो हमें रस्टिकेट कर देगा। वार्निंग तो लग पाते है, उसने तो हमें ताने भी मारे हैं। अरे ऐसे कैसे कर देंगे रस्टिकेट, उनके बाप है क्या? हमसे नहीं बेइज्जती कराई जाती। हाँ हमें जा तो बाइक लेके दो जाएंगे, कोई बाइक वाइक नहीं मिलेगी, कल जाना है तो जाओ वरना बाहर जाकर सब्जियों की रेडी लगाओ। लगता है जैसे तेज में उड़ी हो। क्या कहा तूने? तू जरा फिर से बोल। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, कहा कुछ यहाँ कुछ गलत कहो, यहाँ कुछ गलत कहो, मतलब मेरे कहने का मतलब है अभी तुम दोनों जो सोच रहे हो ना, हाँ सच है दहेज में आई है, मुंह पे बोलता हूँ मैं, कोई बाइक वाइक नहीं मिलेगी,
बिल्कुल नहीं बिकेगी बाइक। हाँ तो मत बेचो ना, इसे भी रख लेते हैं और नई ले, नई बाइक आ जाएगी। हाँ, ये तो बड़ा साफ। अगर नहीं बेचनी तो बेटा इतने पैसे लाएगा कहाँ से, पैसे का पेड़ पे उगते हैं। अरे पेड़ से नहीं उगते, बैंक में से आएंगे पैसे, बैंक में से आप ले लीजिए। अरे हाँ तो बैंक अकाउंट में भी होने चाहिए ना, कुछ सेविंग तो हो ना। क्यों, कहाँ गई आपकी सेविंग, इतने साल से आप बिजनेस कर रहे हो। हर बार कहते हैं मैंने सेविंग करनी, कहीं आपने कहीं बार तो कोई नहीं। क्या मतलब तेरा, मैं सब जानता हूँ बेटा, तू क्या कहना चाहता है। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब बैंक में नहीं है, कहीं बाहर आते कभी गिर ना गए हो मेरे, या कभी किसी को उधारे ना दे। हाँ कभी बाहर, हाँ किसी को भी ऐसे बोला, मेरे कहने मतलब ये है। आप क्या समझे, अरे इतना भी गिरा हुआ नहीं है तेरा बाप, रोज तो आप दारू पीकर गिरे रहते हो, इससे क्या गिरा हुआ। तू चुप कर वरना तेरी कल से पॉकेट मनी बंद कर दूंगा, बदमाश कहीं का, कितनी घटिया सोचा तुम्हारी। अरे नहीं नहीं यार, मेरी पॉकेट में नहीं, सबकी क्या दुश्मनी है, मतलब मैं तो बाक वैसे कर रहा था। अरे हम तुम दोनों के लिए कमाते हैं यार, और कौन है यहाँ पे। अरे हम सेविंग करते ही क्यों हैं, तभी करते हैं ना जब हमें इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तो नहीं यूज कर लेंगे, और हमें अब जरूरत है बाइक की। तो अब नहीं यूज करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, हमारा भी दिल करता है हम नई बाइक पे जाएं। हाँ बाप तो ठीक है बेटा, लेकिन बाइक लेंगे कौन सी, अब आजकल कौन सी बाइक ट्रेंडिंग में चल रही है, वही लेंगे। बुलेट, बुलेट 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 ले दो पापा, वो अच्छी है। बुलेट, अरे शक्ल देखी है तुमने अपने आईने में, तेरे साइकिल पर तो पाँव ठीक से लगते नहीं है, बुलेट लेकर के नीचे आना इसका। अरे मेरे नहीं लगेंगे, इसके तो लग जाएंगे। मैं चला लूंगा पापा, आप लेकर तो दो। क्यों, ये अभिषेक बच्चन, तुम दोनों एक जैसे ही तो। अरे बेटा। जी बाबूजी। अरे 1.5-2 लाख की बाइक ले रहे हो तो 1,00,000 रुपया और डालकर कोई गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं ले लेते, सेकंड हैंड ही ले लो, कम से कम सारा परिवार तो बैठ जाएगा गाड़ी में। हाँ तो हमने भी तो यही कहा से, ये गाड़ी क्यों नहीं ले लेते। मैं बच्चों के साथ हूँ। अब बोलो क्या बोलते हो, अब तो दादाजी भी हमारे साथ हैं, अब तो कार लेनी पड़ेगी। हाँ बात तो ठीक है, वैसे ये भी ठीक है, कार में हम ज्यादा फैमिली मेंबर फिट हो सकते हैं, लेकिन कार भी कौन सी नहीं बेटा, कार कौन सा सस्ती है, हम मिडिल क्लास वालों के पास तो पहले ही पैसे की कमी रहती है। अरे यार आपकी सेविंग इतने सालों से कहाँ गई, इतने साल से आप बिजनेस में हो, वो आपका जो है सोनू आपसे जूनियर था। हाँ। उसके पास भी गाड़ी है, गाड़ी है। चलो ऐसा करो, मैं तुम्हारे वो ना टीटू अंकल उनको कॉल कर देता हूँ, तुम जाके गाड़ी देखाओ, सिलेक्ट कराओ, कल हम जाके रिसीव कर लेंगे। अरे तो हम अकेले जाएं, आप नहीं चलोगे साथ में। अरे नहीं बेटा बेटा, आज मेरी है मीटिंग तो तुम दोनों जाओ, कोई गाड़ी वाड़ी पसंद करो, अगर कार पसंद है तो मुझे पिक व्हाट्सएप करो, मैं देख लूँगा बाकी। अब तुम जाओ यहाँ से, पैसे मैं तुम्हारे गूगल पे कर दूँगा या टीटू के अकाउंट में कर दूँगा, तो ठीक है तुम जाना, गाड़ी अच्छी लेकर आना, लेकिन मोहल्ले में मेरी नाक मत कटवा देना, पहली बार तुम दोनों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ बेटा। पेमेंट कर देना। चल ठीक है, चलते चलते हाँ, चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे भाई कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, गाड़ी गाड़ी है भाई, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी लेंगे, डीलर से बात करते हैं। चल कर। अरे अरे भाई साहब, हमें प्लीज गाड़ी चाहिए, एक थोड़ा समय निकाल के मेरे लिए। हाँ आइए प्लीज, आइए। नमस्ते सर, तो ये क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी, आप अपना बजट बताइए, हजारों गाड़ियां हैं हमारे पास, आ जाइए दिला देते हैं। दिखा दो बढ़िया। चलिए आज की टॉप गाड़ी को लेकर चलते हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 मात्र 25 लाख में डील डन कर देंगे। बोलिए जल्दी बोलिए। अरे भाई। हाँ भाई। ये गाड़ी तो बजट से बाहर है, औकात से भी बाहर है भाई। oh, no. तो अब और देखते हैं कोई, अगर अभी हमने इनको अपने बजट के बारे में बताया ना तो ये बेइज्जती करके बाहर भेज देंगे, इसमें नुक्स निकाल देते हैं कोई, फिर क्या क्या बोलेगा ये। ठीक है भैया, इस गाड़ी का टायर अच्छे नहीं है, कोई और गाड़ी देखते हैं, नहीं अच्छी नहीं है, वैसे भी हमें अच्छी नहीं लगी। नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास और भी गाड़ियां हैं, आ जाइए। अब ये गाड़ी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इसे तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये देखिए हुंडई का अच्छा मॉडल, सनरूफ भी लगा है, अगर आप डील डन करेंगे। यार गाड़ी तो ये भी बहुत मस्त है ना, गाड़ी तो बहुत सही है, इसके साला छत पे भी शीशा है, इसके साइड शीशे के देख कितने मस्त है, वो जो फिल्मों में नहीं होते ऐसे ऐसे करते, वो भी होते हैं, वही है ये।
भैया इसका प्राइस क्या है? ये मात्रा हम आपको देंगे 6 लाख में। वैसे मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है। 6 लाख? इतने कहाँ से फिर बाहर? ये नहीं लेंगे। भाई ये भी गाड़ी हमें पसंद नहीं लगी। वैसे भी ना ये इस गाड़ी का मुंह गधे जैसा है। हम तो शेर हैं, शेर हैं हम तो। ये नहीं लेंगे हम। ले और लेंगे, कोई और गाड़ी दिखाओ। अरे यार कहाँ है इसकी गधे जैसी शक्ल। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास और भी गाड़ियां हैं, हम आपको वहीं लेकर चलते हैं। चलो अब जो हम आपको गाड़ी दिखाने जा रहे हैं ना तो इसकी शक्ल गधे जैसी है ना उस पे स्क्रैच है। ये देखिए ये गाड़ी अपने बजट में भी है, आपको कंफर्टेबल भी रहेगी। ये देखिए भाई। हाँ भाई अब क्या करें? अब तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि इस गाड़ी का मुंह तेरे जैसा है। ओ सॉरी गधे जैसा है। तो अब क्या करें? कुछ तो होगा इसमें। अगर आप हमने कुछ ऐसा वैसा कह दिया ना तो गारंटी है लात मार के निकालेगा। सही बात बोली आपने। ऐसा करते हैं थोड़ा जाके इंस्पेक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अक्सर सेकंड हैंड गाड़ी है। आजा चल। अरे भाई ये थे। अब तो गया भाई। अरे यार आप लोगों को गाड़ी लेना है क्या? नहीं क्यों दिमाग का नहीं कर रहे हो क्या? गाड़ी मैंने पसंद कर ली है। हाँ तो और मैं लेकर जा रहा हूँ। जा रहा हूँ। कौन सी गाड़ी ली हमने? मेरे तेरे बड़े भाई को मैंने कर दी है। पक्का ना? हाँ जी हाँ जी पक्का। हाँ आगे से हमें सेवा का मौका जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी हैप्पी सेव जर्नी सर। ये देखिए ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करते, पर आप लोग हैं सुबह से दबा खाई जा रहे हैं। आपको गाड़ी पसंद नहीं आती क्या? आप जो मैं गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ ना, या तो आप उसे लेंगे या हम आपको लात मार कर बाहर निकालेंगे। अच्छी कीमत के साथ, अच्छी ऑफर के साथ हम आपको ये गाड़ी ऑफर कर रहे हैं। 2.5 लाख का डवानस और 2 to 5 years नो इंटरेस्ट इजी EMI। ये देखिए यार चुन्नू। हाँ भाई। जितनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं। हाँ। मुझे लगता नहीं है गाड़ी छोड़ने वाली है। नहीं छोड़नी चाहिए इस गाड़ी। तो अब क्या करें? खरीदते हैं इसको, लेकिन प्राइस है, प्राइस की बात करें इससे। प्राइस तो उन्होंने बता ही दिया, थोड़े और कम हो जाते तो ज्यादा मजा आ जाता। हो जाएंगे, बात तो करो। अरे देखा गाड़ी गंदी है थोड़ी। गाड़ी वाकई गंदी है भाई। थोड़ा क्या इसको इसके इसे कहते हैं थोड़ा बहुत कम कर, गाड़ी धुलाने वाली है ना इसको। हां भाई गाड़ी तो ऐसा हमें पसंद है, ये थोड़ी धुलने वाली है। नहीं नहीं मारे कहने का मतलब थोड़ी धुलने वाली, हम धुलवा लेंगे। सुनो क्या यार ऐसी बात नहीं है, तू डील डन करते हैं। वैसे ठीक है, पसंद है हमें, खरीद लेंगे इसको। हमें जरा डैड से बात, डैड से पूछ लें एक बार, मैं कॉल करता हूं उनको। हेलो 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 पापा, बड़े भैया से बात करना। अबे बोलो ना लाइको। बात कर तू, बात कर। हेलो। अबे कुछ आगे भी बोलोगे? हां जी पापा, हमने गाड़ी तो पसंद कर ली है और बजट भी हमारे अंडर ही है जितना आपने बोला। अच्छा तो ऐसा है, दिवाली में हमें ऑफर दे रहे हैं 3 से 5 साल तक नो इंटरेस्ट, तो बाकी के हम EMI करवा लेंगे। रहने दे बेटा, गाड़ी अच्छी बहुत है पापा, इसमें 6 एयरबैग्स लगे हैं। अरे सारे प्रॉपर पापा, कोई स्क्रैच नहीं है, एक भी स्क्रैच नहीं है। हाँ जी ब्रोस, मैं पूरी टोर बनेगी भाई। EMI के तेरा बाप देगा? अरे इसीलिए तो पूछ रहे हैं, बाप ही देगा EMI। अरे नहीं, मैं तो आपको फोन लगा पाऊंगा। 4-5 साल तक पापा मर जाओगे, इतने साल हो गए मोटरसाइकिल में। पहले बड़े कम डाउन पेमेंट करनी है हमें, बाकी सारे पैसे किश्तों में देने हैं, समझ क्यों नहीं रहे? गाड़ी के चेक कर लेना अच्छे से, अच्छी डील पापा कर दें, डील डन। हाँ चलो ठीक है, आप हमें चुनू के नंबर के, तेरा नंबर देता ना यार, इसके नंबर पे आप गूगल पे कर दो, हम इनके गूगल पे हम इनको आगे कर देते हैं और गाड़ी लेकर हम, बस नारियल तैयार रखो तोड़ने के लिए। चुनू के अकाउंट में गूगल पे करता हूँ बेटा। सो गाइज, हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली who faces problems for not having a car. So finally the day has come that they decide to buy a car for themselves. And the funny situations they go through plus a message for all. I hope you like our episode.
If you like our episode, please hit a like and subscribe our channel for future updates. Thanks for watching, guys. नहीं खरीदना क्या है? खाने दे यार, चल यार। मैं नहीं, मैं तो खा गया। अरे कंजूस, मेरी बेइज्जती कर रहा है वो। फिर क्या हुआ? बस बस एक मिनट, हुण पता करना भाई ओए, जदों असीं नूं फड़ांगे ना गड्डी, उस सारा तुर गया गोदी कढ़नी के साथ भाई। नहीं होई उदां, कौन कीता होर की करी जाना चक्क तो रोड़ा।